हेलो फ्रेंड्स, टिफिलेस 24 में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, इस प्लांट्स की नाम है सैगिटेरिया जैपोनिका यानी वाटर रोज। इसका एक वीडियो मैं 15 to 20 डेज से पहले, बिफोर 20 डेज, मैं एक वीडियो शेयर किया था। इसका रिपोर्टिंग डिटेल्स में मैंने दिखाया था। तो 20 डेज की बाद ही देखिए कितने सुंदर फूल खिले। उस समय मेरा एक फ्रेंड ने कमेंट में बताया था, प्लीज जब फूल खिलेगा मुझे दिखा दीजिएगा। तो मैं उस फ्रेंड्स के लिए आज खास तौर पर इस वीडियो बना रही हूँ। और मुझे भी सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि इतने अच्छे फूल खिले है, तो देख के मुझे रहा नहीं गया। ऐसे अभी 2 दिन से खिलना स्टार्ट किया और मैं वीडियो बना के अभी शेयर भी आज कर रही हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर देखने में। तो मैं रिपोर्टिंग किया था 30% काउडंग कंपोस्ट। काउडंग कंपोस्ट की जगह अब वार्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 60% मैंने नॉर्मल सैंड लिया था। और जो खाली स्थान है मैं पूरा 8 इंचेस का जो पॉट है उसमें पानी भर दिया था, पूरा पानी भर दिया था। तो ये प्लांट्स ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा ग्रो कर रहे, इतना अच्छा सरवाइव कर रहे। तो ये जो वो वाला पॉट छोटा पड़ गया, तो मैं अभी थोड़ा सा वो दिमाग लगा के अभी डबल पॉट में शिफ्ट कर दिया। बड़ा सा पॉट में मैं अभी बैठा है उसको पानी भर के, ताकि अभी मैं इसको दोबारा शिफ्ट करने जाऊंगी, प्रीपॉटिंग करने जाऊंगी तो ये शॉक में आ जाएगा, शायद फूल खिलना बंद हो जाएगा और प्लांट खराब भी हो सकता है। तो मैं इसीलिए अभी नहीं करूंगी, या जब तक फूल खिलेगा नवम्बर दिसंबर तक, तो मैं ऐसे ही रख दूंगी, पानी डालते जाऊंगी। पानी जैसे जैसे कम होते जाएगा ऐसे ऐसे पानी डालना है। इसे एक्स्ट्रा कुछ खाद की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी फूल खिली है, मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं है। शायद ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की असंख्य धन्यवाद है। तो मेरे पास भी फर्स्ट टाइम है, मैं ग्रो कर रही हूँ, बहुत ही इजीली ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा देखने में, बहुत ही सुंदर है। फ्लावर छोटे छोटे बल की तरह बिल्कुल व्हाइट, बहुत सुंदर। और कुछ दिन बाद इसको कलर थोड़ा सा बेबी पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स आप लोग भी लगा सकते हैं, और खास केयर की जरूरत है नहीं, लेकिन नीट एंड क्लीन रखना है। और मेरा तो ऐसे हर प्लांट्स के ऊपर खुद से ज्यादा ध्यान है, इसीलिए मैं थोड़ा सा करती हूँ, नहीं करने से भी यह चलता है क्योंकि ये मांगता ही नहीं है कुछ केयर। लेकिन मैं फिर भी इसको डेली मैं सुबह से शाम तक एक बार तो जरूर मैं देखती हूँ नजदीक ध्यान से, गौर से क्या जरूरत है इसको। तो फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा कुछ जरूरत नहीं है, होता है तो एनपीके या पोटाश आप डाल सकते हैं, और कुछ नहीं। देखिए पत्ते कितना अच्छा क्यूट है, बहुत सुंदर है ये फ्लावर, पत्ते फूल से भी ज्यादा सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो इतना मन खुशी हो रही है। ये प्लांट भी मुझे गिफ्ट की तौर पर ही मिला था। मेरे को एक कोई मुझे गिफ्ट किया था, तो ये प्लांट मेरे पास था नहीं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका जो न्यू प्लांट या बेबी प्लांट होता है, ये साइड से ही निकल जाती है अपने आप, जब फूल खत्म हो जाएगा तब सूख भी जाएगा ऊपर से, लेकिन चिंता करने का कोई बात नहीं है, साइड से फिर न्यू बेबी प्लांट्स निकल के आएगा। और खास करके इसको कोई स्प्रे कुछ मेडिसिन का जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ऊपर से स्प्रे कर सकते। और मैं इसको पानी में दालचीनी का टुकड़ा, कभी कभी कपूर का थोड़ा सा डाल देती हूँ, चूर्ण करके मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि साफ सुथरा रहे, कोई कीड़ा मकोड़ा या मस्कीटो कुछ ना पानी में आ जाए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ऐसे नया नया वीडियो पाने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा हेल्प भी कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे। See you again. Bye-bye.